अरवल की गुन्नौर कोतवाली पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जनपद संभल की गुन्नौर कोतवाली पुलिस ने 18 जून को जुनावई में PRV को दुर्घटना में घायल हुई महिला की मौत की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस विषय में पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद ने खुलासा करते हुए बताया कि 18 जून PRV 1444 को शिवम स्वीट्स ने सूचना दी कि यहां पर एक महिला घायल अवस्था में तड़प रही है, जिसके बाद PRV मौके पर पहुंची तो महिला अपने 10 माह के बच्चे के साथ सड़क पर तड़प रही थी। घायल अवस्था में महिला को जुनावई CHC लाया गया, जहां से उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में DY से आगे महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के शव को गुन्नौर के CHC लाया गया, जहां पर महिला के पति अवनीश ने बताया कि उसकी पत्नी भावना का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। इसी बीच महिला के मेघे बाले भी आ गए, जिन्होंने महिला की हत्या की आशंका व्यक्त की तथा गुन्नौर कोतवाली पर दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज कराया, जिसकी जांच के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी गुन्नौर KK सरोज के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने मामले का खुलासा करते हुए महिला भावना के पति अवनीश उर्फ राजा सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अवनीश ने बताया कि उसकी विचार भावना से नहीं मिलते थे, जिसके लिए मैंने उसे रास्ते से हटाकर कहीं और शादी करना चाहा था। इस पर मैंने अपने दोस्त आकाश और ट्रक ड्राइवर प्रताप के साथ मिलकर उसे ट्रक से कुचलकर जान से मारने की योजना बनाई और घटना को अंजाम दे दिया, जिसके बाद आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्यवाही की जा रही है। 18 तारीख को एक घटना हुई थी, 1444 PRV को एक इवेंट मिला था कि एक जुनावई रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया है, एक महिला पड़ी तड़प रही है और वहाँ पे 2 लोग खड़े हुए हैं। वहाँ पे एक स्वीट वाला था, स्वयं स्वीट, उसने बताया कि एक एक्सीडेंट हो गया। इस आधार पे PRV वहाँ मौके पे पहुँची, PRV ने इस इवेंट को अटेंड किया और जो घायल महिला थी उसको हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये उसके परिवार वाले जब पता किया गया तो उसके जो मायके वाले थे लड़की के, वो और उसके परिवार वाले तमाम लोग आए। उन लोगों ने इस पर शक जाहिर किया कि घटनाक्रम संदिग्ध है, इसलिए इस आधार पे एक दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया थाना गुन्नौर में। उसके बाद इस घटनाक्रम के लिए टीमें बनाई गई, जो एक टीम CO गुन्नौर डॉक्टर KK सरोज के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये पूरे घटनाक्रम को उन्होंने मॉनिटर किया और उसके बाद इसकी बारीकी से जब पड़ताल की गई तो निकल के आया कि जो पति अवनीश था, जिसने ये घटनाक्रम कारित किया था पूरा, वो पूरी तौर पे एक प्लानिंग बनाया कि कैसे एक पत्नी की हत्या की जाए और उसको एक्सीडेंट का रूप दिया जाए। विभत्स तरीके से उसने अपने पत्नी की हत्या की एक और उसको एक्सीडेंट का रूप दिया। इसमें उसने अपने जो साथी है, एक आकाश अवनीश जो पति है और उसका एक साथी आकाश और प्रताप जो ट्रक ड्राइवर है, इन तीनों ने मिल करके 4-5 दिन पहले एक प्लानिंग बनाई। अवनीश किसी और से अवैध संबंध में था, वो अपनी पत्नी को हटाना चाहता था रास्ते से, जो उसके अवैध संबंधों में बाधक बन रही थी, उसको हटाने के लिए उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा। और वो पत्नी मायके आई हुई थी नाराज होकर के, तो उसको उस दिन 18 तारीख को बुला करके अपने साथी आकाश के साथ ले गया। पहले शाम को 5 बजे घर से बुलाया, उसके बाद कई जगह घूमता रहा उसको लेकर के, और जो प्रताप है ट्रक ड्राइवर उससे बात किया, इन लोगों ने प्लानिंग तय की कि थोड़ी रात हो जाए उसके बाद ये घटना कारित की जाए। इस क्रम में उन्होंने श्रीराम धर्म काटा पड़ता है, वहाँ पे वो काटा करा रहा था। काटा कराने के बाद उसने ये तय किया कि मैं रास्ते में चलूँगा और जब इंडिकेटर दूंगा तो एक निश्चित स्थान पे इस जो महिला है इसको तुम लोग धक्का दे देना और उसके बाद मैं इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा, जिससे पूरा घटनाक्रम एक्सीडेंट का लगेगा। लेकिन घटनाक्रम का खुलासा हुआ है, ये प्रताप जो ट्रक ड्राइवर है वो पकड़ा गया है, अवनीश पकड़ा गया है, उसका साथी आकाश पकड़ा गया है। तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया है और बताया कि ये सब प्लानिंग के तहत इन्होंने किया था और एक्सीडेंट का रूप देने के लिए कि उसका मर्डर कर दिया जाए, लेकिन उसको एक्सीडेंट का रूप दिया जाए। अभी पकड़े गए, इन सभी को जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।